है घोगा महाराज, और इसी के साथ साथ आपको वीडियो करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड आरती और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गढ़वाली नौनी पे। तो जैसे कि आज है अठवाड़ा यानी कि फूलदेई त्योहार का आठवां दिन, और आज के दिन जो घोगा देवता होते हैं उनको सभी लोग भोग चढ़ाते हैं, और आज अंतिम दिन है फूलदेई का और अगले साल फूलदेई स्टार्ट होगी। तो आज सभी लोग, जैसे कि हमारे गांव का एक ही घोगा है, तो सब लोग अपनी अपनी तरफ से दान दक्षिणा देंगे और घोगा महाराज सभी के घर पे जाएगा। तो सभी लोग भोग के रूप में देते हैं उनको, तो जैसे चावल, गुड़, पैसे जो भी होगा, और एक ही जगह पे खाना बनता है, तो वो भोग उनके लिए बनाया जाएगा। उसके बाद कि घोगा देवता को छत पर रखा जाता है, उन्हें विराजमान किया जाता है, छत के किनारे पर ही उनकी पूजा की जाती है। और उसके बाद जैसे कि सभी लोगों का अपना अपना एक घोगा होता है, तो सभी लोगों ने भी अपने अपने घर में कुछ ना कुछ भोग बनाया होगा और घोगा देवता को चढ़ाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे घर में भी एक घोगा महाराज जी की एक प्रतिमा है, तो देखते हैं कि घर में क्या क्या बना है, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि बच्चे लोग घोगा महाराज को नहला के आ गए हैं और काली माता की पूजा करेंगे, उसके बाद घोगा महाराज सभी के घर पे आएंगे। तो और कल की जो घोगा प्रतियोगिता की जो वीडियो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और किस तरीके से मेरे गांव वाले प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए बच्चों का रोड तक गए थे घोगा महाराज को विदा करने अगस्त मुनि के लिए, ये वीडियो भी आपको जरूर दिखाऊंगी। देखिए हम अगस्त मुनि फेयर में पहुंच चुके हैं और बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं बच्चे, और ये घोगा प्रतियोगिता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे इनका ड्रेस, तो इन्होंने पापला पहना है, और इस तरीके से बच्चों ने ना बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस पहने हैं और बहुत प्यारे।
और घर आते हुए रास्ते में हमें चंडिका देवी भी मिली हैं जो कि अभी बावई पहुंचने वाली हैं। की पुजारण है साक्षी, क्योंकि प्रियांशु वगैरह सब बिजी है ना, और कुछ बच्चों का एग्ज़ाम भी है आज इसलिए। और आप देखिए किस तरीके से छत के पीछे इस तरीके का व्यू है, देखिए आप। तो देखिए ये हमारे घोगट जी हैं, और जब हम बचपन में छोटे थे और मेरे भाई लोग, तो मतलब यानी कि साक्षी के पापा लोग, इन सब के टाइम से ही ये घोगा हमारा है। और एक टाइम में ये बहुत बड़ा हुआ करता था, सबसे बड़ा घोगा हमारा था। लेकिन अब ये है कि बच्चे लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए हैं, काफ़ी क्रिएटिव भी हो गए हैं। तो जो घोगा अभी आप लोगों ने देखा कि जो पहले वाले वीडियो में देखा, वो प्रियांक कोहली है, तो उसको पिंकू पिंकू बोलते हैं, उसने बनाया है और बहुत अच्छा है। वो काफ़ी बड़ा है तो सब बच्चे उसी की पूजा करते हैं। और इस तरीके से आज सब लोग अपने अपने घरों में छतों में इस तरीके से पूजा कर रहे हैं। और हमने बनाया है घोगा महाराज के लिए चूरन और गुलगुले, मीठे गुलगुले, और यही भोग चढ़ाएंगे। और हमारा परिवार भी काफ़ी बड़ा है तो सभी के घर में यही घोगा जाता है, तो बारी बारी करके सब लोग लेके जाएंगे और लास्ट में हमारे जो ऊपर वाला घर है वहाँ पे घोगा महाराज जी को रखा जाएगा। और शाम को बिल्कुल अच्छे तरीके से इनको संभाला जाएगा और फिर अगले साल इनकी पूजा फिर से स्टार्ट की जाएगी फूलदेई त्यौहार पे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसी तरीके से मेरे वीडियो को प्यार देते रहें। और देखिए घोगा टीम निकल चुकी है और सभी के घर पे जाएगी पूरे गांव में। अच्छा और ये घोगा देवता विराजमान है काली मंदिर में, और अब बच्चे कर रहे हैं भोजन का इंतजार जो कि बन रहा है। देखिए सभी बच्चे आए हैं, जो भी फूल माई में फूल डालने जाते हैं या फूलदेई त्योहार में सभी के घरों पे फूल डालने जाते हैं, सभी बच्चों के लिए भोजन बन रहा है। बात है ये उम्र ली मेरी दाल और क्या है, ये भुज्जी बनती हुई यार। अरे ये चटनी बनती हुई है, किस किस चीज से बन रही है चटनी बोल है? घर का आइटम होता है, धनिया पुदीना प्याज टमाटर कार दही खीरा पुदीना और गजब। अरे ये बनाने वाले आइटम
हाथ नहीं हुआ। हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मेरे वीडियो को प्यार देते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।